फतेहाबाद के लघु सचिवालय के प्रांगण में अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जोधपुर के खेजली गांव में वृक्ष रक्षार्थ शहीद हुए 363 नर नारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन व समाज के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर ADC महावीर प्रसाद को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद समाज व संगठन के सदस्यों ने धागड़ में शहीद अमृता देवी वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में खेजड़ली के पेड़ लगाकर पौधारोपण किया। ADC को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि खेजड़ली महाबलिदान की याद में भारतीय पर्यावरण दिवस की घोषणा की जाए, सभी शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में इस महाबलिदान की गाथा को पाठ के रूप में शामिल किया जाए, भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करे कि पर्यावरण संरक्षण व वृक्ष रक्षण का कार्य करने वाले लोगों को हर वर्ष भारत सरकार की भांति दिए जाने वाले अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अपने अपने राज्यों में आरम्भ करें। उपवास कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने जहां भजन गाकर पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया, वहीं समाज की बेटियों ने भाषण के माध्यम से खेजड़ली की कहानी सुनाई। आज 21 सितंबर को जो लघु सचिवालय में एक सार्वजनिक उपवास श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो बिश्नोई धर्म के नियमों के पालन की रक्षा करते हुए 363 बिश्नोई ने जो बलिदान दिया था, उस बलिदान को याद करना है। उस बलिदान के आज इतने वर्षों बाद पर्यावरण प्रेम का जो एक पूरे विश्व के अंदर प्रेम उमड़ रहा है, पर्यावरण बचाने का उमड़ रहा है, वृक्षों को बचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रतीकात्मक अगर उदाहरण है तो बिश्नोई समाज ने 1730 के अंदर पेश किया था। वैसा विश्व के अंदर दूसरा कोई उदाहरण ना ही तो विकसित हुआ है और ना ही आगे हम आने की संभावना देखते हैं। तो उन्हीं सच्ची श्रद्धांजलि उनको देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। इस पर्यावरण प्रेम से जुड़े सभी संस्थाएं, सभी लोग जो भी कार्यरत हैं पर्यावरण के अंदर, आज की जरूरत को महसूस करते हुए उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, ताकि प्रेरणा की जो कहानी है ये आगे विश्व तक जाए। ये आज बिश्नोई धर्म के दबवाड़ी से लेकर के दिल्ली तक जितने भी हमारे लोकेशन हरियाणा के नज़दीक में हैं, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांट तहसील में कार्यक्रम हो रहा है, अबोर के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जोधपुर में कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम हो रहा है, तेलंगाना में कार्यक्रम हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर खातेगांव तहसील पर कार्यक्रम हो रहा है, बेंगलोर में कार्यक्रम हो रहा है, ताकि अखिल भारतीय लेवल पर हम भारत सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भारत का घोषित किया जाए और उन 363 बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, ताकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें मांग हमारी यही है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए इन शहीदों की याद में। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग रहेगी, NCERT की पुस्तकों के अंदर माता अमृता देवी से 363 बलिदानियों की जो कहानी है वो बताई जाए, ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है कि अमृता देवी संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसी तरह से ये पुरस्कार भारत के तमाम राज्यों में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाए, ताकि इस बलिदान से और इस प्रेरणा लोग आगे लेकर के आगे बढ़ सके और एनवायरनमेंट को बचाने की जो मुहिम है उसमें आगे बढ़ सके।